जय हिंद। आई वेलकम यू बैक ऑन द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन। दिस क्लास इज फिजिकल एजुकेशन क्लास, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 11th क्लास का भी यही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज सेम, मंडे ट्यूसडे जिस चैप्टर को हमने कवर किया है। और 12th क्लास का भी सेम चैप्टर है, सिर्फ टॉपिक डिफरेंस है। जो आपके 11th में आपने रीड किए होंगे सेम चैप्टर में कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, उसी का चैप्टर ये 12th क्लास के लिए भी कॉन्टिन्यूसली है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर है। टॉपिक आपके यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं तो फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पर कोई भी ऐसा कमेंट ना करें जो कि अननेसेसरी हो। अपनी अटेंडेंस, अपनी क्वेरी सब गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करें, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस ना दें। होपफुली ये जो वीक है हमारा लास्ट वीक है ऑनलाइन कोचिंग का, और समर ब्रेक के बाद ही हमारी क्लास कंटिन्यू होगी या फिर जो भी आरोग्य इंस्ट्रक्शन होगी उसके बाद। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 days वी आर हियर विद यू एंड वी विल ट्राई आर बेस्ट, मीन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट दैट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, बिफोर गोइंग टू द समर वेकेशंस। यस, स्टिल यू आर एंजॉइंग योर समर वेकेशंस। आपको बताया भी गया था कि पर डे यू सपोज टू अटेंड 2 classes, और अगर आप फिलहाल ये क्लास नहीं देख रहे हैं तो सेव लिंक से आप इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू यू टू अटेंड एवरी क्लास एवरी डे। तो आपके लिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि आप हर क्लास को हर दिन अटेंड करें, बट फिर भी अगर आप कर सकते हो देन इट विल बी गुड फॉर यू। ऑलराइट गाइस, कंटिन्यू आवर स्टडी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अगर आपने 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या है, व्हाट इज पैरालंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, और ये जो इनमें डिफरेंस क्या क्या है, और किसके लिए संस्थाएं ये काम करती हैं, पैरालंपिक्स क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, और उसके अलावा भी आपने इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, वो सारे टॉपिक्स थे वो हमारे 11th क्लास में थे। अब यहां जो 12th क्लास है यहां हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, जिसको जनरली लोग एक ही समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर एक ही है। सेकेंड, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, थर्ड टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, देन एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उन स्टूडेंट्स के लिए। तो इन टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज डिसऑर्डर। ओके, जैसे यार वी हैव सीन दैट सम पीपल इन आवर कम्युनिटी हैव डिफिकल्टीज विद अदर पीपल डू नॉट हैव, विच अदर पीपल डू नॉट हैव। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको कुछ डिफिकल्टीज होती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने फंक्शन करने में, जो कि और लोगों को नहीं होती, आम लोगों को नहीं होती है। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अपने आसपास ऐसा पर्सन मिल जाएंगे। किस टाइप की डिफिकल्टीज हैं वो? सच डिफिकल्टीज लाइक सीइंग, देखने में जिनको डिफिकल्टी है, एज अ नॉर्मल पर्सन वो नहीं देख पाते, बचपन में ही बच्चों को बड़े बड़े चश्मे चढ़ जाते हैं, कलर अगर देख भी रहे हैं नॉर्मल तो वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, या कलर भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो रात को नाइट ब्लाइंडनेस उनको होती है, रात को वो नहीं देख पाते हैं। पिक्चर्स में जैसे पी और क्यू, उन दो में डिफरेंस नहीं कर पाते, इस तरह की डिफिकल्टी। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, हकलाना, तुतलाना, या एक बात को द द द द द द फिर उस बात को, वर्ड को पूरा बोलना, इस टाइप की जो डिफिकल्टीज हैं। लर्निंग डिफिकल्टी, एक बच्चा एक बात को समझाने से एक बारी में कैच कर लेता है, दूसरा दो बारी में, तीन बारी में, और एक बच्चा जिसको 10 बार बताना पड़ता है थ्रू ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू टीच देम, दिस इज काउंटिंग, इवन काउंटिंग भी उनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कई बार बतानी पड़ती है, तो उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। स्ट्रेंज बिहेवियर, एक अजीब सा बिहेव करते हैं, इस तरह की वो डिफिकल्टीज हैं। जैसे बिहेव अजीब सा कैसे करेंगे, बात आपसे कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट कहीं हो रहा है, देख आपको रहे हैं और बात उनके दिमाग में कहीं और चल रही है, या फिर आपसे बात करते करते उठना बैठना, बॉल से खेलना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वो करते रहते हैं, वो उनके बिहेवियर एक्टिविटीज हैं, डिफिकल्टीज हैं। इस तरह की डिफिकल्टीज हैं आर कॉल्ड डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स। उन्हीं लर्निंग डिफिकल्टीज को जो एक पर्टिकुलर पर्सन में होती हैं किसी चीज से भी रिलेटेड, उन्हीं को हम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर कहते हैं। अब डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर है क्या, इसको हम वन बाय वन अलग अलग से पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी को बोलते हैं आपका असमर्थता, और डिसऑर्डर होता है आपका विकार। कहने को तो दोनों सेम आते हैं ये, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा माइनर डिफरेंस इनमें है। और पर्टिकुलरली बात करें तो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, इन पर डिबेट बहुत ज्यादा चलती है,
क्योंकि एक कम्प्लीटली कोई भी एक डेफिनेशन इनकी बन के ही नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि क्यों डिबेट का रीजन है ये कि जैसे एक ने बताया कि एक पर्सन ब्लाइंड है, ओके फाइन, उसमें क्या हो गया, ये डिसेबिलिटी है, आईज की सींग की उनकी, वो ब्लाइंड है तो डिसेबिलिटी है। लेकिन वो पर्सन अपने आप को अर्निंग वे में, इकोनॉमिकल वे में या कैसे भी एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा इफेक्टिव बनाए हुए है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। अपनी ब्लाइंड को उसने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, वो चाहे पियानो के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू, अपने अर्निंग के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू अच्छे से डील कर रहा है, उस एजुकेशन के थ्रू जो ब्लाइंड पर्सन के लिए होती है, और अपने आप को उसने बहुत कैपेबल बना रखा है, तो वो डिसेबिलिटी उसके लिए वहां रही ही नहीं। वहीं एक नॉर्मल पर्सन सब कुछ होते हुए भी, अच्छी आंखें होते हुए भी, वो प्लेटफॉर्म नहीं पा पाता। तो इसी वजह से डिसेबिलिटी की डेफिनेशन पे डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है। लेकिन एक बहुत डीप नॉलेज है, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहले आप मीनिंग समझिए कि डिसेबिलिटी है क्या। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर क्या है। तो नॉर्मली जो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर हैं, दो टर्म हैं जिनको एक साथ यूज किया जाता है, पर वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है उनका डिफरेंस भी हम पता करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी इज एन कंटिन्यूइंग कंडीशन दैट रेस्ट्रिक्ट्स एवरीडे एक्टिविटी। एक ऐसी स्थिति है, लेट मी राइट फॉर यू, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कंडीशन। सबसे इजी डेफिनेशन जो है इसकी वो यही है, इट इज कॉन्टिन्यूअस कंडीशन दैट रेस्ट्रिक्ट्स एवरीडे एक्टिविटीज। मेन टर्म है, इसको ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअसली कॉन्टिन्यूअस कंडीशन है, मींस अगर आपका एक लैग नहीं है तो वो कॉन्टिन्यू है, वो रहेगा ही नहीं कभी भी। एक आर्टिफिशियल जो प्रतिमंग है, आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन है, उसको लगाना अलग बात है, लेकिन उसको उतारने के बाद वो डिसेबिलिटी फिर है आप में। तो एक कॉन्टिन्यूअस कंडीशन है जो रेस्ट्रिक्ट करती है आपकी एवरीडे एक्टिविटी को, वॉकिंग को, रनिंग को, देखना, सुनना, अगर आप में हियरिंग की प्रॉब्लम है तो मशीन्स को लगा दिया, मशीन से सुन रहा है, मशीन हटने के बाद वापस वही कंटिन्यूअस कंडीशन आ गई। तो उसी को एक बहुत इजी वर्ड में कहा गया है कि डिसेबिलिटी, असमर्थता। डिसेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं हम असमर्थता, मींस आप किसी काम को करने में जब पूरी तरह से समर्थ ना हो तो उस एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, तो उसी को हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन दी है, ये तो इसका मीनिंग था, इसकी एक डेफिनेशन मैं आपके लिए राइट डाउन कर देती हूँ। एक इजी डेफिनेशन है, क्योंकि डिसेबिलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन जो दी है मेडिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सॉरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसकी डेफिनेशन दी है। एज पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी, डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एन इलनेस कोमा इंजरी और कंडीशन एंड इलनेस इंजरी और कंडीशन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर समवन to do the things that other people do. क्या है डिसेबिलिटी, असमर्थता क्या है? एंड इलनेस, इट कैन बी लाइक बीमारी है जो बोला गया है कि बीमारी है, और क्या है इंजरी, चोट है, और एक कंडीशन, स्थिति है जो बनाती है डिफिकल्ट, मुश्किल बना देती है एक व्यक्ति के लिए उन कामों को करना, उन कार्यों को करना जो कि और व्यक्ति आसानी से कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी एंड दैट इज कॉल्ड असमर्थता। ये आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। अब हम आते हैं डिसऑर्डर पर। आपने राइट डाउन कर ली होगी डेफिनेशन डिसऑर्डर।
डिसेबिलिटी आपको समझ आ गई। अब आप समझिए कि डिसऑर्डर क्या है। डिसऑर्डर को हिंदी में हम बोलते हैं विकार। अगर आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर होगा, इनका डिफरेंस क्लियर होगा, तो आप आंसर अटेम्प्ट करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे जब पूछा जाएगा टाइप ऑफ डिसऑर्डर। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब फाइनल पेपर में पूछा जाता है राइट डाउन द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो वो डिसऑर्डर के टाइप लिख देते हैं। डिसऑर्डर का पूछा जाता है तो डिसेबिलिटी के लिख देते हैं। तो यहां उन दोनों का कॉन्सेप्ट मीनिंग अगर आपके माइंड में क्लियर होगा तो आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। डिसऑर्डर को क्या बोला गया है, विकार। हिंदी में इसको बोला गया है विकार। क्या है डिसऑर्डर? कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्ट्रप्शन कॉज्ड ड्यू टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ड्यू टू कॉज्ड टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ अ पर्सन। एक नॉर्मल व्यक्ति के फंक्शंस में, कार्यकलापों में थोड़ी सी दुविधा या व्यवधान होना, वो ही आपका डिसऑर्डर कहलाता है। इसकी जो एक वैसे आपको मैं इसको लिख देती हूँ, ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन यू कैन यूज इट एज अ डेफिनेशन कि क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच डिस्ट्रप्शन कॉज्ड टू अ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। जो शरीर के आपके नॉर्मल फंक्शन हैं उनके उसमें भी गड़बड़ी होना, डिस्ट्रप्शन मीन्स गड़बड़ी, एक एक्यूरेटली परफेक्टली वो फंक्शन वैसे ही नहीं हो रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे क्या गड़बड़ है कि जैसे बोलते हैं ऑटिज्म, बच्चा बोलने में हकलाना एक अलग चीज है लेकिन हिचकिचा रहा है, बोलने में हिचकिचा रहा है, या फिर आई कॉन्टेक्ट करके बात नहीं कर रहा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है, उस तरह की पोजिशन को हम विकार बोलते हैं, वो ही आपके डिसऑर्डर है। मेन डिफरेंस आपको अभी आगे पता चल जाएगा लेकिन यहाँ पे आप फोकस कीजिए, एज अ कंडीशन इन विच डिस्ट्रप्शन मीन्स गड़बड़ी होती है कॉज्ड टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं जैसे कि आई कॉन्टेक्ट करना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपके बिहेव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आप एक नॉर्मल जो बच्चा है वो बिहेव कर रहा है, वो सुन रहा है, हमें कह रहे हैं बेटा बैठो सुनो, वो he's listening to you। दूसरा बच्चा वहीं बैठा तो है, आपके फोर्स से आपके डर से वो बैठ गया है लेकिन हाथों से कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, कभी बेडशीट को खींच रहा है, कभी अपने पाँव के शूलेसेस से खेल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में डिस्ट्रप्शन है, गड़बड़ी पैदा हो रही है। दैट वन इज कॉल्ड डिसऑर्डर्स, उन्हीं को हम डिसऑर्डर बोलते हैं। और डेफिनेशन की बात करें तो डिसऑर्डर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर और बॉथ रिजल्टिंग फ्रॉम अ जेनेटिक और एम्ब्रियोनिक फेलियर इन डेवलपमेंट और फ्रॉम एक्सोजेनियस फंक्शंस सच एज पॉइजन, ट्रॉमा और डिजीज। वो बताया गया है कि विकार क्यों होता है, पॉइजन से भी आ सकता है, ये किसी डिजीज से भी आ सकता है, किसी ट्रॉमा से भी आ सकता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। बिहेवियर चेंज होता है, जैसे फिट्स आते हैं कई लोगों को, फिट्स मीन्स दोरे, जैसे ग्राउंड में आपने देखा होगा कई बच्चे खेलते खेलते उनको दोरा पड़ गया और मुंह से झाग निकल के वो ग्राउंड में लेट जाते हैं, वो भी आपके डिसऑर्डर में आ जाता है कुछ हद तक, साइकोलॉजिकल कंडीशंस में भी वो आ जाता है। तो इन सबको हम डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के उसमें ही कैटेगराइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है मेन डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें कोई बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है। एक डिसएडवांटेज है, ये एक डिसएडवांटेज है आपकी बॉडी में। अब वो डिसएडवांटेज हो सकता है विजिबल भी हो और इनविजिबल भी हो। विजिबल कैसे होगा, आपका हाथ नहीं है, पांव नहीं है या कोई पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन नहीं है, एक आंख नहीं है। इनविजिबल कैसे होगा, किसी कोई व्यक्ति के कान तो है, सामने वाले पर्सन के ईयर्स तो है लेकिन उसके सुनने में प्रॉब्लम है, उसकी आंखें तो है देखने में प्रॉब्लम है, या बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक डिसएडवांटेज है ये, जो रेस्ट्रिक्ट करता है फंक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन। जो एक व्यक्ति के नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनके मूवमेंट्स को ये रेस्ट्रिक्ट करती है, उसी को हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। डिसऑर्डर क्या है, ये
डिसरप्शन है। डिसरप्शन मींस आपके फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है, फंक्शन तो है, उसको डिसएडवांटेज नहीं हो रहा है उसका पर्टिकुलर, हाथ पांव सही है लेकिन चल रहा है बच्चा ऐसे ऐसे करके, अपने आप ही उछल कूद कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो एक डिस्टर्बशन है उसके बिहेव में, उसके फंक्शन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है जो दिख जाती है, दैट वन इज कॉल्ड डिसऑर्डर। ओके, द सेकेंड डिसेबिलिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद बॉडी पार्ट्स। डिसेबिलिटी आपके बॉडी पार्ट से एसोसिएट होती है, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, हैंड, लेग, आई, ईयर्स, टंग, टॉर्सो, फिंगर्स, थंब, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं इनसे ये डिसेबिलिटी आपके एसोसिएट होती है। डिसऑर्डर कहाँ एसोसिएट है? मेंटल कंडीशन से। आपका जो मेंटल लेवल है, मेमोरी है, मोस्टली ये नर्वस सिस्टम, मेंटल कॉम्पिटेंसी, इससे डिसऑर्डर एसोसिएटेड है। कहीं ना कहीं इसका नर्वस सिस्टम इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। द थर्ड थिंग इज, आप इसमें आप कर सकते हो जैसे एग्जाम्पल दो या नॉर्मल करो, डिसेबिलिटी क्या है? इज एन इंजरी, एक इंजरी है ये। हैंग ऑन गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली इट वॉज स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, सो आई वेंट आउटसाइड टू जस्ट शट द डोर। ओके, क्या है डिसेबिलिटी एंड इंजरी? इट कैन बी कॉल्ड लाइक, क्या है इंजरी? है दैट रेस्ट्रिक्ट, वो बीमारी है, सॉरी चोट है जो बॉडी के फंक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, एक लेवल तक रोक देती है। और डिसऑर्डर की बात करें तो ये इलनेस है, इंजरी चोट और ये बीमारी। डिसेबिलिटी मोस्टली 90% जो डिसेबिलिटी आपकी चोट की वजह से भी होती है, और ये 90% जो डिसऑर्डर आएगा आपका बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसमें, आप एग्जाम्पल देना चाहें तो पार्शियल डिसेबिलिटी, कंप्लीट डिसेबिलिटी। पार्शियल मीन्स आपका कोई हैंड नहीं है, या 50% है इतना हैंड नहीं है, या कुछ और पार्शियल और कंप्लीट हो सकती है। और डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर का क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर, मेंटल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है तो एंजाइटी डिसऑर्डर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये इनके मेन डिफरेंस है कि क्या डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है, असमर्थता क्या है हमारी, डिसेबिलिटीज एडवांटेज डिसएडवांटेज दैट रेस्ट्रिक्ट द फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन और मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, एंड इट इज एन डिस्ट्रप्शन, ये गड़बड़ी है कॉस्ट टू दी, जो किसमें होती है गड़बड़ी है, नॉर्मल व्यक्ति के जो नॉर्मल फंक्शन है उनमें। ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, ये आपकी मेंटल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है। इट इज कॉल्ड, इट अकर्स ड्यू टू 90% बिकॉज ऑफ द इंजरी, इट कॉस्ट बिकॉज ऑफ द इलनेस 90% जो चांस है। पार्शियल कंप्लीट ये इसके एग्जाम्पल है, और एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये आपके डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स है। Okay, ये आपका क्लियर हो गया। आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आ सकता है कि कॉन्सेप्ट, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, देन यू हैव टू राइट द मीनिंग, डेफिनेशन। एंड एक कॉन्सेप्ट में आपको एक बात बताऊं कि 1955 पर क्या कॉन्सेप्ट था, इन ईयर 1955 में डिसेबिलिटी को क्या माना जाता था, कि आपकी किसी भी बॉडी फंक्शन की, ऑर्गन की फंक्शन ना करने में, फंक्शन प्रॉपरली ना करने में जो कमी है या फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उन सबको डिसेबिलिटी में जोड़ दिया जाता था 1955 में। और इस तरह के 9 एग्जांपल्स थे, जैसे कि लॉस ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, लॉस ऑफ यूज ऑफ टू लिम्स, दोनों हाथों का एक साथ यूज ना कर पाए, प्रोग्रेसिव डिजीज, सच एज प्रोग्रेसिव डिजीज कौन सी होती है, डायबिटीज, उस टाइम डायबिटीज की वजह से भी कोई बॉडी पार्ट है वो आपका डिसेबल हो जाता है, मोस्टली दैट्स व्हाई डायबिटीज कॉल्ड स्लो किलर, तो 1955 में भी ये डिजीज थी। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हार्ट एंड लंग कंडीशंस, अगर आपका हार्ट और लंग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो, टर्मिनल कैंसर्स, न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट, इन सभी को डिसेबिलिटी में माना जाता था अप टू 1955। लेकिन उसके बाद ड्यूरिंग द पास्ट 50 इयर्स उसमें डिफाइन किया गया कि डिसेबिलिटी क्या है, नॉर्मल और डिसऑर्डर दोनों अलग अलग चीज है। पहले इन सब चीजों को एक ही मान लिया जाता था, फिर उसको अलग अलग डिफाइन किया गया, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट रहा है।
जो आपका अब तक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी. देखिए आपकी जो बुक्स हैं सीबीएसई की, जो बुक्स हैं, मैंने दो तीन बुक्स को रीड किया, तो उसमें एक बहुत सिंपल सा डिसेबिलिटी के जो टाइप्स हैं वो अलग दिए हुए हैं, लेकिन मेरे व्यूज में अगर ये वाला भी डिसेबिलिटी का टाइप हो सकता है जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, बुक्स के अकॉर्डिंग हम बाद में पढ़ेंगे. एज पर मी विजिबल और सेकेंड वन इज इनविजिबल. विजिबल डिसेबिलिटी क्या है, जो आप देख सकते हो. इन मींस आपके फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कोई बॉडी ऑर्गन नहीं है, आंख नहीं है, जो क्लियरली विजिबल है. और इनविजिबल डिसेबिलिटी मींस जो आपको फर्स्ट सौ में नहीं दिखता, उसके लिए आपको सुपरविजन करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह देखनी होती है. कि जैसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इसमें आ जाएगी, आपका इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी इसमें आ जाएगी. इनविजिबल है वो, आप बच्चे को देख के, एक बच्चा बैठा है फिजिकली देखने में बिल्कुल ठीक है, आप जज नहीं कर पाते हो कि इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है. वो उसको आईक्यू लेवल को टेस्ट करके उसके तभी आप बता पाओगे यस ही इज सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. साइकेट्रिक जो डिसेबिलिटी होती है वो तीनों चारों इसमें आ जाएंगी, विजिबल एंड इनविजिबल. अब नॉर्मल आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. क्या है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं हम इसको ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक असमर्थता. कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है कि when a person has certain limitations in mental functions, limitations in mental functions, जब वो दिमाग के जो function है उसमें limitation हो तो उसको हम cognitive disability बोलते हैं. mental functions की जो disability जाएंगी, limitations आ जाएंगी आपकी mental functions. second किस में आएंगी, in skills, कम्युनिकेटिंग स्किल्स मेंटल फंक्शंस में आ गई. सेकंड कम्युनिकेटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपका कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है, लिमिटेशंस है कम्युनिकेशन करने में भी. थर्ड वन इज सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स को वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है. एंड फोर्थ वन इज लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप की लुकिंग आफ्टर वो नहीं कर पाता, अपने आप को भी ठीक से नहीं देख पाता. इनकी जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन क्या है, मेंटल फंक्शन में, कम्युनिकेटिंग स्किल्स में, सोशल स्किल्स में और अपने आप का ख्याल रखने में, इन चारों से जो लिमिटेड वो होती हैं उनको हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं, वो ही लिमिटेशंस हैं. और ये लिमिटेशंस क्या करती हैं, कॉज अ चाइल्ड टू लर्न एंड डेवलप मोर स्लोली देन अ टिपिकल चाइल्ड. इन लिमिटेशंस की वजह से बच्चा सीखता तो है लेकिन उसकी जो स्पीड होती है सीखने की वो बहुत धीरे होती है, स्लो होती है, जिसकी वजह से उसको लर्निंग में टाइम लगता है, उसको सोशल स्किल्स लेने में टाइम लगता है. अब कॉग्निटिव जो डिसेबिलिटी है इसके थ्री टाइप्स हैं. मेमोरी डिसऑर्डर, फर्स्ट वन इज मेमोरी हाइपर एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया, अब देखिए इसको, आपका ये जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है ये तीन टाइप का हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड मीडियम, जो आपका निकलेगा कि या तो बहुत हाई लेवल पर हो सकता है ये, या मीडियम लेवल है, या फिर ये बहुत ही सेवरे लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट और सेवरे, बहुत ज्यादा ये डिसेबिलिटी होती है. अब इसको जो इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं इसके, या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के जो सिम्टम्स हैं, मेमोरी से रिलेटेड, हाइपर एक्टिविटी और डायलेक्सिया. मेमोरी से रिलेटेड तो डिसऑर्डर आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कलेक्शन ऑफ मेमोरीज उस बच्चे की पुअर है, वो याद नहीं रख पाता है मेमोरीज को, भूल जाता है किसी को भी चीज को भी जल्दी, लेसन जो उसे पढ़ाया जाता है उसे भूल जाता है, कोई काम सिखाया जाता है उसे भूल जाता है, एज पर कंपेरिजन टू नॉर्मल चाइल्ड. हाइपर एक्टिविटी में क्या आ जाएगा कि अटेंशन नहीं दे पाता वो, और
कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, रूम में कंटिन्यूअसली रोम करे जाएगा, क्लासरूम्स में भी बैठेगा नहीं, एक बेंच से दूसरी बेंच, दूसरी से तीसरी, पूरी क्लासरूम में घूमता रहेगा। टीचर ने पनिश कर दिया, उसके बाद भी बार बार वॉशरूम भागना, पानी पीने भागना, एक्सक्यूज ढूंढता है, वो एक जगह बैठ ही नहीं पाते, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, उसी एनर्जी को गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू रिलीज किया जाता है। तो हाइपर एक्टिविटीज में ये आ जाएगा आपके। और थर्ड वन इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है, कई बार हम इसको डिसलेक्सिया को स्पेसिफिक लर्निंग डिफरेंस भी बोलते हैं, कि स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर लर्निंग है उसमें वो चिल्ड्रन डिफरेंस नहीं कर पाता, कि जैसे राइटिंग में उसको प्रॉब्लम आती है या रीडिंग में आती है। आपने तारे जमीन पर देखा होगा, तो जो बच्चा था वो ब्लैक बोर्ड पर वर्ड्स को पढ़ ही नहीं पाता था, वैसे तो इंटेलिजेंट था वो बच्चा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जो वर्ड्स होते थे उनको वो अपने माइंड में नहीं बिठा पाता था, वो उस टाइम उसको डायलेक्सिया टाइप का कॉग्निटिव जो डिसेबिलिटी थी वो थी, ये उसको डायलेक्सिया सिम्टम था उसका, और डिसेबिलिटी थी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो ये इसके तीन मेन है और ये इसके तीन सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं यस दिस इज द टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सेकेंड वन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इसको हम रिलेट करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से भी, लर्निंग डिसेबिलिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको बौद्धिक असमर्थता, आपके बुद्धि की जो असमर्थता है। और इसका जो मेनली टेस्ट किया जाता है, तो आपने कई बार सुना भी होगा कि इसका आईक्यू लेवल बहुत डाउन है, तो आईक्यू के थ्रू इस इंटेलेक्चुअल जो बच्चे का लेवल है उसको टेस्ट किया जाता है, कि इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म डे टू डे लाइफ टास्क इन प्रॉपर वे और एज पर हिज और हर कन्वीनियंस, दैट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी है, जनरली रेफर्स टू अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू लर्न टास्क और प्रोग्रेस और प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एक जनरल टाइप की डिसेबिलिटी है, जो एक व्यक्ति एक कार्य को नहीं समझ पाता है, कर पाता है, या समझ भी लिया तो उसको प्रोग्रेस नहीं कर पाता, उसके माइंड में तो बैठ गया लेकिन वो उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाता है, प्रैक्टिकली नहीं शो कर पाता, that type of disability is called intellectual disability। check कैसे होता है, इसका IQ level से जो भी है। और इसमें learning difficulties can cause, क्या learning difficulty आती है बच्चे को, reading में, writing में, same जो cognitive में आ जाता है थोड़ा थोड़ा, reading, writing और mathematics, mathematics में उसको सबसे ज्यादा problem आती है। कई बच्चे देखे होंगे आपने कि बाकी subject बहुत अच्छा है, उनका literature बहुत अच्छा है, लेकिन mathematics में वो बहुत poor हो जाते हैं। यहाँ उस टाइम उनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है उसका लिटरेचर भी अच्छा हो, ये एक्चुअल में हमारे माइंड के दो हेमिस्फीयर हैं जो अलग अलग पार्ट में काम करते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट पार्ट में काम करते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट। तो हमारा माइंड का जो सा पार्ट एक्टिव होता है हम उसी तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जहां हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम उसी को डेवलप करते चले जाते हैं, सेकेंड पार्ट को छोड़ देते हैं। तो वही ये एक डिफरेंट टर्म्स बना दी हैं फिलोसफर्स ने, कि अगर ऐसा है तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे, बट एज पर माय ओपिनियन वी कांट से दैट इट इज अ डिसेबिलिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिसेबिलिटी पर स्टिल कॉन्टिन्यूसली बहस चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर भी और फिलोसफर्स में भी आपस में, क्योंकि एक बच्चा जिसको मैथ नहीं आता है हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबल कैसे बोल दें, एज पर माई ओपिनियन वी कांट से, बट एज पर बुक वी सपोज टू से। अगर बच्चे को मैथ्स नहीं आता तो हो सकता है वो उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, या उसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, वो पार्ट उसका अच्छा हो, तो उसको डिसेबिलिटी कहना अच्छी बात नहीं है। बट स्टिल इन द बुक दे आर सेइंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मे बी कॉज्ड बाय अ जेनेटिक कंडीशन। किस वजह से हो सकती है, जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है इसका रीजन, हेरिडिटिकल जो आता है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ, बर्थ और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर प्रॉपर फॉलिक एसिड या कैल्शियम आयरन की टेबलेट्स वगैरह नहीं लेती है मदर, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स और इलनेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, इसका रीजन आपका एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप लॉन्ग डिजीज से सफर कर रहे हो वो भी हो सकता है। द थर्ड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक। समझाना इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल नो व्हाट इज फिजिकल डिसेबिलिटी। अ फिजिकल डिसेबिलिटी इज द वन दैट अफेक्ट्स अ पर्सन मोबिलिटी, पर्सन की मोबिलिटी को, जो वो उसकी मोबिलिटी की क्षमता है उसको जो इफेक्ट करे, चलने फिर मोबिलिटी मीन्स उसकी चलने फिरने की क्षमता को, काम करने की क्षमता को जो क्लियरली विजिबल है उसको जो इफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या आएगा,
कि अ पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी में नीड टू यूज सम शॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर असिस्टेंस विद मोबिलिटी. जब उसको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है तो वो कुछ इक्विपमेंट को यूज करता है, जैसे व्हील चेयर, आपका स्टिक्स, या फिर कृत्रिम अंग जैसे आर्टिफिशियल लेग, शूज वो पहन लेते हैं, उन सबको वो यूज कर रहा है. फिजिकल डिसेबिलिटीज इंक्लूड इंजरी और डैमेज टू द स्पाइनल कोड, कई बार आपके स्पाइनल कोड में भी डैमेज है, नेक, वेरिंग डिग्रीज और लॉस ऑफ लिम्स एक्सेट्रा. अब इसमें क्या है कि अदर फॉर्म्स क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी की, इन्होंने बताई है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तीन आपकी बुक्स में एक्सप्लेन है लोकोमोटर डिसेबिलिटी. लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है कि पाल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स जिनको एसिड अटैक हो जाता है, या मसल्स की जिनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेप्रोसी है, इस टाइप की बीमारी को इन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बताया है. जैसे कुष्ठ रोग, प्रमस्तिष्क बोनापन, हाइट में जो छोटे रह जाते हैं बोने जो लोग होते हैं उनको. विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है आपकी श्रवण बाधा, इसमें वो व्यक्ति होते हैं शामिल है जिनको सुनने में कठिनाई होती है और चलते फिरते जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो साउंड्स होती हैं कुछ उनको वो नहीं सुन पाते, जैसे मॉर्निंग की कुछ साउंड अलग है, नाइट में अलग ही साउंड्स आती हैं, उन साउंड्स को भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट इसमें है. ब्लाइंडनेस है, सॉरी विजुअल में आएगा हमारा ब्लाइंडनेस और हियरिंग इम्पेयरमेंट. मैंने आपको हियरिंग एक्सप्लेन कर दिया था अभी. हियरिंग इम्पेयरमेंट में मैंने बताया था जो साउंड से रिलेटेड है, विजुअल में आपका आई साइट से रिलेटेड है. तो जो विजुअल में आएगा कि पर्सन विद ब्लाइंडनेस, लो विजन या नाइट ब्लाइंडनेस, और हियरिंग में आ जाएगा साउंड्स को प्रॉपरली नहीं सुन पाते हो, एक लिमिटेशन हो जाती है वॉल्यूम पे, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट में वो भी आ जाता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि छोटी सी साउंड पे डर जाते हैं. एक बच्चे को एक आवाज जो नॉर्मल सी साउंड है जैसे मैं बोल रही हूँ, ये आवाज भी एक बच्चे को डरा देगी, उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके अंदर, तो उसको बहुत तेज सुनती हो. कई बार आप चिल्लाते रहो किसी किसी बच्चे को वो साउंड सुनते ही नहीं, तो ये लो एंड हाई बोथ कैटेगरीज में आ जाती है. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज साइकेट्रिक डिसेबिलिटी. साइकेट्रिक मीन्स मानसिक असमर्थता. अ डिसेबिलिटी कैन डेवलप एट एनी एज एंड इज ऑफन नॉट अपेरेंट टू अदर पीपल. ये जो डिसेबिलिटी है ये किसी भी उम्र में हो सकता है, और इस डिसेबिलिटी का, साइकेट्रिक जो डिसेबिलिटी है, इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि दूसरे पर्सन को पता ही नहीं चलता. अगर किसी पर्सन में साइकेट्रिक डिसेबिलिटी है तो जो दूसरा पर्सन है वो उसको जज ही नहीं कर पाता, ही इज सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक डिसेबिलिटी. उसमें मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, वो अपने आप को अज्यूम कर लेता है किसी की भी जगह, बड़े बड़े क्राइम्स को भी, वो क्राइम सीन है या अनसोशल इवेंट्स, वो पर्सन कर सकता है जिसमें साइकेट्रिक डिसेबिलिटी हो. जैसे इसका रीजन क्या, इसमें क्या आ जाएगा, आपका टेंशन आ जाएगा, आपकी फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं आपकी साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी में, और सॉरी साइकेट्रिक डिसेबिलिटी में. और कंसंट्रेशन लेवल है जो वो भी कम होगा, या कोई आपको समझाने की कोशिश करता है तो उसके अंदर अजीब सी मूवमेंट्स होने लगती हैं, या कहीं पे जोर जोर से, कई बच्चों की आदत होती है क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और कंटिन्यूसली पेन से अप डाउन अप डाउन अप डाउन खेले जाते हैं थंब से. साइकेट्रिक डिसेबिलिटी का वो एक बहुत माइल्ड रूप है, हम ये नहीं कहेंगे वो डिसेबल हो गया है वो पर्सन, लेकिन एक बहुत माइल्ड रूप है जब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसका कॉन्सेंट्रेशन फिजिकल मूवमेंट पेन की साइड चला जाता है, या फिर पैर को लगातार कंटिन्यूअसली फर्श पे मारे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता वो ये काम कर रहे हैं. फिजिकली प्रेजेंट वो वहां होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो कंटिन्यूअसली अपने पैर को हिट कर रहे हैं. दैट इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक डिसेबिलिटी. ये हमारे डिसेबिलिटी के टाइप्स थे टोटल जो हमने अभी तक किए. 10 मोर मिनट्स वी विल टेक. डिसेबिलिटी के टॉपिक को आज हम कवर कर देते हैं, कल हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी. असमर्थता के रीजन क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, आपको
पता भी होना चाहिए, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा सभी को असमर्थता का कारण क्या है। द फर्स्ट वन इज डिजीज, कोई बीमारी हो जाना, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाना, जैसे कि सेरेब्रल जो कुष्ठ रोग है, इस टाइप के डिसऑर्डर जो डैमेज कर देते हैं ब्रेन को ड्यूरिंग बिफोर और आफ्टर द बर्थ। बर्थ जब हो रहा है बच्चे का उस टाइम भी वो डैमेज कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी डैमेज कर सकते हैं और आफ्टर द बर्थ एज वेल। कुछ इस टाइप की डिजीज ऐसी बीमारी होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज्ड, सेरेब्रल पार्सी कैन कॉज स्पीच प्रॉब्लम। जो सेरेब्रल पाल्सी है, डिजीज है, वो आपकी स्पीच प्रॉब्लम कर सकती है। मेंटल रिटार्डेशन, कंप्लीटली मानसिक रूप से जो बच्चा होगा उसको रिटार्डेशन कर सकती है। मस्कुलर वीकनेस, उसकी बच्चे की मसल्स भी कमजोर हो सकती हैं। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, उसके जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के, उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड रीजन इज माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना जाना, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना जाए तो भी डिसेबिलिटी हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या, या तो पुअर इनटेक है, या एबॉर्शन है, या यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, जो हार्मफुल कंडीशन है कि एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने नहीं यूज किए हैं या लेस डाइट ली है, उसी को माल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है। और वो क्या करेगा, आपका क्रैम्प्स, डायरिया, वीकनेस और वेट लॉस, उसकी वजह से आपकी बॉडी में डायरिया भी हो सकता है, वीकनेस भी आ सकती है, वेट लॉस भी हो सकता है। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन और सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन, दो स्टेज है इसमें। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन कब होगा, जब बॉडी को इनफ फूड ना मिल पाए या राइट काइंड का फूड ना मिल पाए। जब आपकी बॉडी को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, दैट वर कॉल्ड प्राइमरी माल न्यूट्रिशन। सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन क्या है, ये बिकॉज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण ये न्यूट्रिशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन तो बॉडी को पूरा मिल रहा है लेकिन बॉडी को लग नहीं रहा है, वो एक्सक्रिएट हो जाता है बॉडी से, आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से बच्चे ब्लाइंड भी हो सकते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम आ सकती है उनकी, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स व्हाई हमें न्यूट्रिशन है जो उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, वो प्रॉपरली लेने चाहिए। थर्ड कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वार्स, युद्ध होते हैं जो बहुत सारे सैनिक अपने हाथ पैर खो देते हैं, आंखें खो देते हैं, लड़ाई बारूद, हाथ पैर आंखें खोना तो एक अलग बात है कि वो तो एक फिजिकल डैमेज तक हो रहा है। आप याद कीजिए हिरोशिमा और नागासाकी, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। इवन जो उस टाइम वहां लोग सरवाइव कर गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु अटैक के बाद, उनको अभी भी हैंडीकैप, जो बच्चे उनके पैदा होते हैं वो हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं, फिजिकली मेंटली वो हैंडीकैप है बच्चे। स्टिल देखे वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था वहां पर, उसका कितने लंबे टाइम तक अभी भी असर हिरोशिमा नागासाकी पे देखने को मिलता है। तो वार्स भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। देन रॉन्ग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन, गलत दवाइयां खाना, जो हम अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, आपकी बॉडी उनको अपने आप ही एक्सक्रिएट कर देगी अगर एक्सेस में होगा। लेकिन एलोपैथी की बात करें तो इनका बहुत साइड इफेक्ट बॉडी पर होता है, छोटी छोटी पेन किलर्स की जब हम हैबिट ले लेते हैं तो कई बार मेडिसिन एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती हैं वो आपकी बॉडी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल देती हैं। या वैक्सीनेशन, जब इंजेक्शन लगता है ना, गलत सुई जो नीडल है वो आपकी स्टेराइज नहीं है या इन्फेक्टेड नीडल है, उसको यूज कर लिया तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी हमारी बॉडी में आ जाती है और लॉन्ग टाइम तक रहने वाले वायरस आ जाते हैं। कौन कौन से, जैसे HIV वायरस है जो आपका, जिससे